तो अभी हम फोटो ले रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा एरिया है इनका, ठीक है, बोले थे ना, अभी फ़ोटो क्लिक कर लिए। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हम गलत डाल देंगे तो हमारा सैलरी और पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत परिवार, कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं QRT PM सूर्य घर योजना के बारे में, जो कि कुछ दिन से बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज और बात चल रहा है कि भाई PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना क्या है, मतलब क्या प्रधानमंत्री पूरा बिजली को फ्री कर देंगे कि क्या कर देंगे। सब लोग कन्फ्यूज है, टोटली कन्फ्यूज है, और हम भी बहुत कन्फ्यूज थे कि भाई एक्चुअल में इसमें करना क्या है यार, लोग को कैसे समझाए कि उसमें क्या है नहीं है। बाद में बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत कुछ सोचने के बाद पता चला कि एक करोड़ आदमी को ये सोलर पैनल लगवाएंगे। 300 यूनिट तक आप बिजली बिल बचा सकते हैं, हर महीने आप 300 यूनिट का बिजली बिल आप बचा सकते हो। मतलब बिजली बिल आप जो लगेगा, हर स्टेट का अलग अलग प्राइसेस लगता है, तो एक यूनिट में समझ रहे हैं कि मान लो 5 रुपया ले रहा है, उसी तरह 300 यूनिट है तो 300 यूनिट का जो भी प्राइसेस है वो सब चीज आप बचा सकते हैं। एक फैमिली में हार्डली कितना, एक महीना में 1,000-1,500, कोई AC चला रहा है तो 2-3 हज़ार आ जाता है, ठीक है। तो आपको एक जीने का बहुत ही जबरदस्त मौका देगा कि चलो, लोग पहले क्या हो रहा था कि AC लगाएंगे भाई बहुत बिजली आएगा, ये डर से भी नहीं लगा पाते, शौक अंदर में ही रह जाता, मतलब शौक जो है मन में ही दब के रह जाता था। लेकिन अभी जब सोलर पैनल सब लगाएंगे तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तो उससे आप AC, TV, बड़ा TV भी आप चला सकते हैं, तो लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए आपको दूर के सोचना पड़ेगा, स्मार्टली जिस तरह से आप सोच रहे हैं, जिस दिन स्टार्ट कर देंगे वो तो उस दिन दुनिया ही बदल जाएगा। तो देखिए, कोई आदमी छोटा टीवी में भी देख लेता है, कोई 55 इंच का टीवी लगाता है, कोई बिना फ्रिज का भी काम चला लेता है, कोई फ्रिज लगाता है, कोई मान लो बिना वॉशिंग मशीन का भी जिंदगी काट लेता है, किसी को वॉशिंग मशीन चाहिए, कोई AC में सोना चाहता है, तो कोई चलो पंखा भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सो जाता है, धूप पेड़ पौधा जहाँ है वहाँ जाकर के आराम से सो जाता है। तो ये सब कुछ सोच पे डिपेंड करता है, जैसे ही आप स्मार्टली सोचना स्टार्ट कर देंगे, एडवांस सोचेंगे, हर चीज़ एडवांस होते जाएगा। तो जब ये सोलर पैनल लगेगा तो सारा आदमी का लाइफ स्टाइल कुछ न कुछ चेंज होगा। ये जो मन में अंदर से जो डर था कि बिजली बहुत ज़्यादा आ जाएगा, पैसा कहाँ से लाएंगे, तो ये सब चीज़ अब धीरे धीरे कम होगा। जैसे देखिए ये इतना रफ्तार में पंखा चल रहा है, किसी घर में दो दो चार चार AC लगा रहता है, तो पैसा देते देते आदमी पागल हो जाता है। तो अब ये चीज़ कम होगा। तो हमारे अभी हम आए हैं, हम रेगुलर यहाँ पे खाते हैं, हमारे ही जुरिसडिक्शन एरिया के अंडर है पश्चिम बरौलिया। तो यहाँ से हम अभी स्टार्ट करते हैं एक सर्वे, जो कि आप QRT PM सूर्य घर योजना के बारे में आप जानते ही होंगे। हमारा ये देखिए अभी खोल कर रखे हैं, अभी जस्ट आए हैं, सर्वे करेंगे, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमें लेना है, एंड सर्वे करने के बाद बहुत सारे सर्वे अभी करना है, लगभग 60 बोला है सर्वे करने के लिए, 2-3 दिन के अंदर सर्वे करके देना है, देन डिसाइड करेंगे गवर्नमेंट की आखिर में ये जो कैंडिडेट्स का डिटेल्स आया इसके साथ क्या किया जाए। तो अभी सर्वे करेंगे, ओके, पहला सर्वे है और हम यहाँ पे अभी पहला सर्वे करेंगे। अभी देखिए हम लॉगिन करते हैं, हम पहले से ही खोल के रखे थे, यहाँ पे देखिए आपको जाकर के DOP वॉलंटियर में जाकर के आपको लॉगिन करना रहता है, मोबाइल नंबर दे करके लॉगिन होता है और OTP आता है। यहाँ पे सर्वे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहला हम कर रहे हैं, यहाँ पे गए, यहाँ देखिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पहली बार कस्टमर का अकाउंट नंबर, कंज्यूमर का, कस्टमर नहीं बोल सकते, कंज्यूमर का अकाउंट नंबर, कंज्यूमर का मोबाइल नंबर अभी मांग रहा है, तो मोबाइल नंबर अभी देंगे, दीजिए मोबाइल नंबर, बोलिए 81। यहाँ पर देखिए OTP बोल रहा है, सेंड OTP, अभी आपके पास मोबाइल है ना, हाँ मोबाइल है, तभी सेंड OTP करेंगे, मोबाइल पे OTP जाएगा, यहाँ पे कुछ देखिए 6 डिजिट का OTP हमारे मोबाइल पे आ गया है, ठीक है, इसको इस तरह से लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देखिए OTP आ गया है, देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए सूर्योदय पोर्टल काइंडली CSC सूर्योदय ऐसे कुछ लिखा हुआ है, CSC सूर्योदय पोर्टल है, हमें उस सब देखना नहीं है, हमें जाना है OTP पे,
ये OTP हम वेरीफाई करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। देखिए OTP वेरीफाइड हो गया है, यानी हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, वेदर द कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड इन सोलर इंस्टॉलेशन अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या क्या है, यस या नो कर सकते हैं, या तो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा मतलब वो लेना नहीं चाहता, या फिर लेना चाहता है, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। आजकल तो हर लोग लेना ही चाहेगा। इज कंक्रीट रूफ टॉप अदर स्पेस अवेलेबल फॉर सोलर इंस्टॉलेशन, मतलब बोल रहा है कि जब सोलर इंस्टॉलेशन किया जाएगा तो क्या उसके लिए कोई जगह है कि नहीं, कि झूठ बोल रहा है लोग। तो हमें यहाँ पे जाकर के देखना है कि क्या कर रहा है, यस या नो में इसमें आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा अच्छा घर है इनका, भले अच्छे से डेवलप नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे अच्छे से है इनका, अच्छे से ऊपर नहीं जाके दिखा सकते लेकिन ऊपर में है जगह, ठीक है। तो यहाँ पे यस कर देंगे, यानी कि इनके छत पे सोलर इंस्टॉल करने के लिए जगह है। अपार्टमेंट ओन्ड या रेंटेड, मतलब अपार्टमेंट अपना है या रेंट का है, तो ये इनका अपना घर है, ठीक है। तो यहाँ पे ओन्ड कर देंगे, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है ये। रूफटॉप ओन्ड या शेयर्ड, मतलब इनका पर्सनल घर है। आप सिंगल भाई है ना? सिंगल, हाँ, तो ये सिंगल भाई है तो शेयर्ड में नहीं है, ठीक है, ये खुद का अपना से घर बनाया है। यहाँ पे देखिए ओन्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जिसका शेयर्ड रहेगा तो शेयर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कंज्यूमर नेम पूछ रहा है, कंज्यूमर नेम बताइए आपका। रतन मैथी। रतन RATAN, ठीक है, मैथी AMAITY, रतन मैथी। बिजली बिल में वही है नाम है ना, यहाँ पे देखिए इनका बिजली बिल आता है इस तरह से, इनका नाम है, ठीक है, रतन मैथी पूर्णचंद। पूर्णचंद्र क्या है? मेरा बाबूजी में पश्चिम परोलियन का घर है, ये हमारे एरिया के अंडर आता है लेकिन अभी लेटर डिलीवरी नहीं होता यहाँ पे। और उसके बाद देखिए इनका नाम दे दिया कंज्यूमर ने, उसके बाद किसी किसी का देखिएगा ज्वाइंट नाम में भी आता है उसका बिजली, तो उस केस में नहीं करना है, ठीक है, सिंगल का करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेट चूज करने बोल रहा है, कौन से स्टेट में ये रहते हैं, कि लास्ट में ही होगा वेस्ट बंगाल, हमारा वेस्ट बंगाल में है क्योंकि हम अभी ड्यूटी वेस्ट बंगाल में कर रहे थे, मैक्सिमम तो वेस्ट बंगाल ही है। इनका डिस्ट्रिक्ट है पूर्व मिदनापुर में, यहाँ पे देखिए पूर्व मेदिनीपुर लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इनको जब भी बिजली प्रोवाइड किया जा रहा है तो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रहा है, तो यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आ गया है WBSEDCL, ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर नंबर पूछ रहा है, यानी कि वो कंज्यूमर नंबर जो आता है 22 है, 20 है, हाँ 2016। तो इनका कंज्यूमर नंबर दे दिए हैं, और उसके बाद पूछ रहा है अपलोड फोटोज ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, किसी बोल रहा है कि एनी फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ, मतलब ऐसा नहीं कि 6 महीना का पूरा अपलोड करना है, बोल रहा है कि लास्ट 6 महीना के कोई भी आप अपलोड कर सकते थे। हमारे पास कौन महीना का है, कौन महीना का है ये, शायद दिसंबर ईयर का है, तो हम यहाँ पे जा करके अपलोड करेंगे, फ़ोटो क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब ऐसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेक फोटो चूज फ्रॉम गैलरी या कैंसिल, अगर आप फोटो नहीं लेना चाहते तो कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें फ़ोटो लेना ही पड़ेगा प्रूफ के लिए, ठीक है। यहाँ पे टेक फोटो जाएंगे और हमारे पास देखिए ये चीज़ है, यहाँ पे हम जा कर के फ़ोटो क्लिक करेंगे, इस तरह से हम फोटो ले लिए हैं, अब यहाँ पे जा कर के ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, तुरंत अपलोड हो गया है। यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेट एरिया अवेलेबल फॉर सोलर इंस्टॉलेशन, कितना एरिया अवेलेबल हो सकता है, आपका कितना एरिया का घर है। यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेट एरिया, हमें तो उतना समझ नहीं आ रहा था, हम नॉर्मली 1200 दे दिया है, ठीक है, इतना काफ़ी होता है। फिर यहाँ पे देख लीजिए फोटोज ऑफ कंक्रीट रूफ टॉप अदर एरिया वेयर सोलर कैन बी इंस्टॉल, अब यहाँ पे देखिए फोटो बोल रहा है लेने अभी। तो यहाँ पे देखिए अभी छत पे आ गए हैं और इनका इतना अच्छा एरिया है, कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है यहाँ पे भी, तो इसका फोटो बोल रहा है लेने के लिए इस मोबाइल से, ठीक है।
आप नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अभी पहला बार कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं करना चाहिए। फोटो ले रहे हैं, देखिए बहुत ज्यादा एरिया है इनका, ठीक है बोले थे ना, अभी फोटो क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड करने बोल रहा है, यहाँ पे हम जा करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा इन्फॉर्मेशन अपलोड हो गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है बोल रहा है कैप्चा इंटर करने के लिए, तो हमारे पास अभी कैप्चा आया है, कैप्चा इंटर कर देंगे। 9+4=13। और यहाँ पे लिखा हुआ है आई सर्टिफाई डेट द कंज्यूमर नंबर डिटेल्स प्रोवाइडेड इज एक्यूरेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड कन्विक्शन। इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज डिटरमाइंड टू बी इनएक्यूरेट विद इफेक्ट बाय विल इफेक्ट माई पे आउट, मतलब अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हम गलत डाल देंगे तो हमारा सैलरी और पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत डेंस एरिया है, अभी बहुत कुछ यहाँ पे देखते हैं हो जाएगा सर्वे। देखिए ये हम अपना कैप्चा डाल दिए, कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे ये टर्म एंड कंडीशन यस करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक सर्वे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब दूसरा सर्वे जाके हम कर सकते हैं। तो अभी एक सर्वे किए हैं और इसमें दिखा नहीं रहा है कि कितना हुआ है, जैसे पहले था वैसे अभी भी है, पता नहीं क्या है, देखते हैं अगर कोई दूसरा तरीका होगा पता करने के लिए कि कितना सर्वे हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पे 002 लिखा हुआ है, वो पहले से ही था, अभी एक सर्वे किए हैं तो अभी भी 002 लिखा हुआ, एक्चुअल में होना चाहिए था 003, लेकिन सर्वे तो हम मेरा कंप्लीट हो गया, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले कर रहे थे तो हो गया था, हम मुझे लग रहा है कि नहीं हुआ, तो एक बार फिर से हम कर रहे हैं। तो ये हम सबमिट सब कुछ करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा है, मोबाइल नंबर एंड कंज्यूमर नंबर शुड बी यूनिक, इसका मतलब पहले जो किए थे वो हो गए। पेमेंट्स देखिए कुछ दिखाता नहीं है कि एक्चुअल में जो किए वो हुआ है कि नहीं हुआ है, पता नहीं। अच्छा ठीक है, हम दूसरे का और सर्वे कर रहे हैं, तभी सर्वे किए थे लेकिन पता नहीं चला कि वो सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट काउंट नहीं हुआ, क्योंकि 002 था, 003 होना चाहिए था, एक सर्वे हो गया था, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। अभी फिर से जाएंगे उस सर्वे पोर्टल पे, QRT मुफ्त सूर्य क्या यार, PM किसान सूर्य मुफ्त बिजली योजना, कितना बड़ा नाम है भूल भी जाते हैं हम। यहाँ पे देखिए स्टार्ट सर्वे पे गए और यहाँ पे से मोबाइल नंबर मांगेंगे कस्टमर से, कंज्यूमर से।